Hello students, मैं दीपा सिंह हूँ एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर एट लाइफ एजुकेशन लैब एंड आज हम अपना लेक्चर टू देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल चैप्टर का। हमने इसमें फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक को कवर कर लिए थे एंड अब बचे हुए टॉपिक हम टेन बाय टेन कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपना देखेंगे टॉपिक नंबर 3 वगैरह, उसका भी पूरा पार्ट कवर नहीं हो पाएगा, हम सिर्फ आधा पार्ट ही कर पाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक होगा मनेरा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की टॉपिक नंबर 3 से मनेरा। मनेरा वाले टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मनेरा टॉपिक में हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ये पूरा जो केंद्र है ये पूरा बैक्टीरिया के ऊपर बेस्ड है, तो हम इसमें बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो बैक्टीरिया कौन थे? बैक्टीरिया वो पहले काम के पहले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो की पहली बार धरती पर आए थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बैक्टीरिया जो है फर्स्ट काम थे जो की पहली बार धरती पर आए थे। हम इसमें बैक्टीरिया वाले टॉपिक में भी बहुत सारे और सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया अंडरलाइन करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस किंगडम के फीचर्स को देखने से कि इस किंगडम के आखिर हमारे फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें फीचर है कि इसमें जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत सारे पुराने थे, क्योंकि पहली बार आए थे तो सबसे ज्यादा पुराने और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोटोस भी कहा जाता है मनेरा किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स को। तो ये क्या थे? प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब है पुराने, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पुराना था, सबसे पहले इनका न्यूक्लियस था ना, और उसके बाद एक एक करके सारे ऑर्गेनिज्म बने बाकी। तो इन ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइड ग्लाइकेन से बनी होती है। ओके, यहाँ हमने सब्सटेंस लिखा भी हुआ है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइड ग्लाइकेन से बनी होती है। सेकंड फीचर है ऑल आर यूनिसेलुलर। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनि का मतलब क्या है? यहाँ हमारे यूनि का मतलब है सिंगल, एंड सेलुलर का मतलब है, एंड यहाँ पे हमारे सेलुलर का मतलब है सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, और इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती क्योंकि वो बिना एक्सेप्शन के हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जितने पाए जाएंगे बैक्टीरिया वो सारे हमारे यूनिसेलुलर ही होते हैं। हमने ज्यादातर सुना कि बैक्टीरिया से बुरे काम भी करते हैं, सारे बैक्टीरिया बुरे ही होते हैं, पर एक्चुअल ऐसा नहीं होता, सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते। इसका थर्ड पॉइंट नहीं कहता है बट नॉट ऑल बैक्टीरिया आर बैड, और इसका फोर्थ पॉइंट है सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो गुड, कुछ बैक्टीरिया हमारे अच्छे भी होते हैं, जैसे वो दवाइयां फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, मेडिसिन दवाइयां फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, दही बनाने में हेल्प करते हैं, दही में छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, एंड जो गोबर गैस होती है बायोगैस उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो भी फ्यूल के तौर पर काम आती है रोटी बनाने में और भी काफी सारी चीजों में। उसके बाद मेडिसिन फिफ्थ पॉइंट आता है, इसमें जो सारे सेल ऑर्गेनिक्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए जो सारे सेल ऑर्गेनिक्स होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके वो सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसका मतलब इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग, जो सारे ऑर्गेनिक्स हैं वो सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। दे आर वेरी डाइवर्स इन नेचर। डाइवर्स इन नेचर का मतलब है कि बहुत अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं, सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया नहीं होते, बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया, आप इसे अपनी नोटबुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने सेकंड सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसके शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया हमारे कौन कौन से शेप्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट शेप है हमारा कोकस, सेकंड बैसिलस, थर्ड स्टैगुला, एंड लास्ट वन फोर्थ डब्ल्यू। अब इन शेप्स को एक बार शॉर्ट में और डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा शेप है वो है स्फेरिकल कोकस शेप, मतलब इसमें जो सारे बैक्टीरिया हैं वो राउंड शेप के गोल गोल पाए जाते हैं, एंड स्फेरिकल शेप के पाए जाते हैं राउंड, और स्फेरिकल शेप के पाए जाते हैं गोल गोल। ठीक है, इसका हम ऐसे याद कर सकते हैं कोकस मतलब सर्कल, सर्कल शेप के सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बैसिलस वाले, बैसिलस में कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं? बैसिलस में हमारे सारे रॉड शेप के पाए जाते हैं, जैसे मार्कर है कुछ इस तरह से रॉड शेप के पाए जाते हैं सारे बैक्टीरिया। उसके बाद हमारा आता है स्टाइला, स्टाइला में कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं? सारे रिबन शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे कुछ इस तरह से,
विभिन्न शेप की या फिर स्पाइरल शेप के स्क्रीन की तरह बैक मिरर्स पाए जाते हैं। और फोर्थ जो हमारा टॉपिक है, इसमें फोर्थ जो शेप है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल एक एस्पेक्ट ये पाए जाते हैं कॉमा शेप के, बिल्कुल ऐसे कॉमा शेप के बैक मिरर्स पाए जाते हैं जिसे हमने बैकग्राउंड में शो किया गया। अब एक बार हम बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा बैक्टीरिया का सेल आखिर दिखता कैसे है। हम इस पूरे ह्यूमन को पढ़ें और हम उसका स्ट्रक्चर ना देखें कि इसके ऑर्गेनिज्म आखिर दिखते कैसे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात होगी, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हमें कुछ पढ़ा नहीं है। इसलिए हमें लगता है इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में अभी से मैं लेबलिंग करके दिखा रही हूँ, उसके बाद हम सारे स्ट्रक्चर की डिटेल्स को हम डिटेल में देखेंगे, कैसे कैसे क्या है, फ्लैजेला है, क्या चीज का है, उसको हम एक एक करके उसके बाद देखेंगे। ये हमारा पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, सबसे अंदर वाली ये जो लेयर है, ये जो इसमें दिख रही है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, चीजों को इजिली पास में नहीं देती। उसकी बात आपने थोड़ी सॉलिड सी मोटी सी लेयर जिसको हम कहते हैं साइबॉल, जो मोटी सी लेयर दिख रही है उसको हम कहते हैं साइबॉल। उसके बाहर टेढ़ी मेढ़ी सी एक और लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स की प्रोडक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करती है और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। हमने तीन मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करी की बैक्टीरिया की सेल बैक्टीरिया की जो कवरिंग होती है तीन मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसकी बाहर हमारी आती है सेल्वॉल और सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, उसको भी देख करके देख लेते हैं। सबसे मेन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो होता है उसका डीएनए। उसके डीएनए को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियर या जीनोफोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर या फिर जीनोफोर। और इसमें जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए और पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, मतलब उसका इतना ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है, किसी के पास हो तो भी अच्छा ना हो तो भी ठीक है, तो ज्यादा इसका यूज नहीं होता। पर हाँ, ये पाया जरूर जाता है और उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये हमारा का प्लाज्मा डीएनए जमा। और कुछ और ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का कोई ऐसा तरीके से पाए जाते हैं 70 से 70 के हमारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब 50 और 30 पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के सदस्य और यूकैरियोट्स में कैसे पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में हमारे पाए जाते हैं 80 टाइप के राइबोसोम, उसमें 60 और 30 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे नीचे सेल मेम्ब्रेन पे कुछ और स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए। जैसे सबसे नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे क्यों होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर एक तरह से फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है हमारा, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए हुए होते हैं, जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं ना, उन सभी के अंदर क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि उन्हें आसानी होती है खाना बनाने में। जैसे मुझे मैंने डॉट डॉट करके दिखाई है कि हमारे साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। उसके बाद हमारा आता है फ्लैजेला। ठीक है, ये फ्लैजेला बहुत ज्यादा लंबा होता है, मैंने आपको शॉर्ट दिखाया कि कितनी ज्यादा स्पेस में थी, लेकिन फ्लैजेला बहुत ज्यादा लंबा होता है। अभी इस फ्लैजेला के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये रह गए म्यूजिकल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक और तेरह मेरा स्ट्रक्चर होता है, होता क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी अंडे को घिस जाती है और तेरह मेरे से स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको हम कहते हैं म्यूजिकल। म्यूजिकल के ऊपर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से, जो कि अलग अलग फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो म्यूजिकल ये काम करती है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है। अगर हम किसी चीज को बोल कर देते हैं, अगर हम किसी जैसे कोई डिपेंड है, कोई सीधा डिपेंड है, अगर ऐसे खिला के रख दें, ठीक है, तो वो ज्यादा स्पेस खेलेगा, ठीक है। और अगर हम इसको रोल करते अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से रोल करके रखें एक जगह पर, तो फिर कम स्पेस में भी साफ रिगन आ जाएगा। कुछ इसी तरह से अच्छी तरह से रोल होकर या म्यूजिकल बढ़ाती है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कम से कम जो है ज्यादा चीजें आ जाती है। और इसके अंदर कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है, फिर उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स। ये हमारे क्या होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स। ओके, बैक्टीरिया की बाहर वाली जो लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनके जो है कुछ और हेयर लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं, जिनके अलग अलग और काम होते हैं। जैसे तीन तरह के और स्ट्रक्चर है जिनके बारे में बात करते हैं। पहला बात करते हैं सिलिया के बारे में। ये ऐसे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनका हम कहते हैं सिलिया। ये किसी हेल्प करते हैं हमारे न्यू मेम्ब्रेन,
अगर किसी बैक्टीरिया को अगर मूव करके जाना हो, चमके जाना हो, तो फिर मुझे उसको मूव करने में हेल्प करते, सहारा लगाने का काम करते हैं बिल्कुल। नाव की तरफ बहुत लंबी सी नाव, आपने देखी बहुत लंबी सी एक नाव होती है, उसमें बहुत सारे चाकू चाकू होते हैं कुछ इसी तरह से। और उसके बाद हमारी आती है तो फिलहाल और स्ट्रक्चर है फिलहाल, इसका भी कुछ फंक्शन है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और एक और स्ट्रक्चर है फिलहाल, फिर ये कहते हैं ये बहुत ज्यादा मतलब जो कि ये स्ट्रक्चर होता है तरह से स्क्रीन के ऊपर, जैसे स्क्रीन हम लोग कहते हैं एक डाल दिया और बिल्कुल उसको जकड़ लेते हैं, जिस जगह पर भी आ गए उसको जकड़ के पकड़ लेते हैं बिल्कुल। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर थे, हम अपन को एक बार डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। सो अब तक हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की लेबलिंग देखी थी, अब हम आगे बात करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो जो ऑर्गन्स हैं, जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, आखिर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में सिलिया से। सिलिया किस चीज का हेल्प करते हैं? सिलिया बाहर के जंग होते हैं ना, बाहर के जंग होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, कुछ आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें से एक सिलिया भी है। तो हमारे जो सिलिया होते हैं तो सिलिया किस चीज में हेल्प करते हैं? मूव करने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं, कि बैक्टीरिया आसानी से चल फिर सके, इधर उधर जा सके, उस चीज में बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरिया को तैरने में हेल्प करते हैं, जैसे बैक्टीरिया पानी वाली जगह में जहाँ रहते हैं, पानी वाली जगह वाले बैक्टीरिया के पास हमेशा सिलिया जरूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जिससे उनकी तैरने में हेल्प हो सके, क्योंकि ये एक तरह से चाकू का काम करते हैं। उसके बाद हमारे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स किस चीज की हेल्प करते हैं? राइबोसोम्स हमारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं 70s वाले, मतलब दो सब यूनिट से बने होते हैं, 50s और 30s, और ये दोनों सब यूनिट बर्गर की तरह एक दूसरे के साथ अरेंज होती है बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद हमारे जो डॉटर्स का स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे यूजलेस स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत काम का स्ट्रक्चर है, उनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। और कुछ इंक्लूजन बॉडीज का एग्जाम्पल भी है, जैसे साइनोफाइशियल ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये कुछ हमारे इंक्लूजन बॉडीज है। और ये किस चीज में हेल्प करती है? यहाँ इनका फंक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है इंक्लूजन बॉडीज ही स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया बचाता है कौन सी कंडीशन के लिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई बुरी कंडीशन आ जाए उसके लिए जो बैक्टीरिया स्टोर्ड पार्टिकल बचाता है उसे कम बोलते हैं। जैसे हम बुरी कंडीशन के लिए या बुरे समय के लिए पैसा बचाते हैं, सेव करते हैं, कुछ इसी तरह से यहाँ बैक्टीरिया भी सेविंग का काम करता है इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंक्लूजन बॉडीज की, जैसे हमारे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। उसके बाद हमने टॉप में पीएनए के बारे में थोड़ा सा देखा था, ज्यादा नहीं देखा था। टॉप में पीएनए से पहले बात कर लेते हैं दूसरे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको मुझे फिब्रा है। फिब्रा किस चीज में हेल्प करती है? हमारे फिब्रा इस तरह से ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कर्ली हेयर्स में तो बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और ये हमारी हेल्प करती है अटैचमेंट में। बैक्टीरिया को अगर कहीं पर अटैच होना है किसी चीज से, जैसे पत्थर से अगर किसी बैक्टीरिया को अटैच होना है, तो उस चीज को जकड़ने में यहाँ पे हेल्प करती है हमारी। जैसे छिटकली के पास, छिटकली को अगर दीवार से चलना है तो उसके पास भी जकड़ने के लिए कुछ पंप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बैक्टीरिया के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है अगर उससे कहीं पर जकड़ना है तो। किस चीज में हेल्प करते हैं? अटैचमेंट में या फिर होल्ड करने में, बैक्टीरिया को कहीं पर होल्ड कराने में हेल्प करते हैं। और ये कैसे होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर होते हैं बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बारे में बात करते हैं न्यूक्लियर या फिर बैक्टीरिया की डीएनए के बारे में। बैक्टीरिया की डीएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर जीनोकोड या फिर सर्कुलर क्रोमोजोम भी हम इसको बोलते हैं। और फिर जिसका सर्कुलर क्रोमोजोम या फिर न्यूक्लियर होता है छोटे छोटे से फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है, और भी बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खाना बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सके। और ये किसे पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स।
फोटोसिंथेटिक पूरा है अंदर हमारी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आ जाते हैं क्रोमेटोफोर्स। इन सीक्वेंस के बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं पॉलीजॉम के बारे में। पॉलीजॉम हमने थोड़ा सा पढ़ा था, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। पॉलीजॉम क्या होता है? पॉलीजॉम एक स्ट्रक्चर है, मतलब इनके सी से बना होता है एमआरएनए से और राइबोसोम से। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे एक धागा है, उसमें दो दो साइड वाले मोती हमने पिरो दिए, दो दो साइड वाले मोती हमने डाले। कुछ इस तरह से हमारे ये पॉलीजॉम बनता है, मतलब एक धागा मतलब एमआरएनए भी होता है, हमारे राइबोसोम लगे हुए होते हैं दोनों साइड से। जैसे यहाँ दिखाया गया शुगर से बनी होती है या कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, इसको हम करच भी कहते हैं। बैक्टीरिया अपने ऊपर एक कवच लगा के रखता है, शुगर का चीनी का कवच लगा के रखता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। किस टाइम में हेल्प करती है? जब बैक्टीरियल की ग्रोथ भी चलता है ना, उस टाइम में शुगर की लेयर या फिर ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करती है। जैसे कभी सूखा पड़ गया या फिर बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा वाटर लॉस हो गया, उसको रोकने में हेल्प करती है। और बहुत बुरी बुरी कंडीशन में जैसे ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा सर्दी हो गई, ऐसी टाइम में बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में हमारी दो तरीके होती है, एक कैप्सूल एक स्लाइम लेयर। ठीक है, दो तरह की ग्लाइकोकैलिक्स हमारी। कैप्सूल कैसी होती है? कैप्सूल हमारी एक हार्ड लेयर होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को एक हार्ड कवर प्रोवाइड करती है। जैसे जो बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बुरी कंडीशन में रहते हैं ना, उनके लिए तो हार्ड वाली होती है। जैसे कोई बैक्टीरिया बहुत ऊंचाई ऊपर से नीचे गिर गया, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाती होगी? कैप्सूल पाई जाती होगी, जिससे उसे प्रोटेक्शन मिल सके। और स्लाइम लेयर ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, जेल लाइक। ये भी जैसे समुद्र वाले बैक्टीरिया होते हैं, पानी में रहने वाले बैक्टीरिया या फिर और भी काफी सारे बैक्टीरिया के अंदर हमारी स्लाइम लेयर पाई जाती है। ये काफी सारा सॉफ्ट लेयर होती है और ये प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। वाटर लॉस को मतलब बैक्टीरिया की वजह से ज्यादा पानी नहीं निकले, इस चीज को रोकने में हेल्प करती है। हमने इसके बारे में बात करी है, हमारे पास फ्लैजुला हो गया है, फ्लैजुला एंड थोड़ा सा हमारा कार्पेट भी रह गया, इसके बारे में भी अगर हम देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? एक लॉन्ग सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सा स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्योंकि सीधे हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया आसानी से इधर उधर चल फिर सके जा सके, ऐसे रिमूव करता हो जाता है आगे। बैक्टीरिया हमारे प्लाज्मा हमारे कैसे होते हैं? प्लाज्मा हमारे लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं एंड नैरो होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, जिससे इजिली कहीं भी जा सके। अंग बहुत कम होते हैं नंबर में हिसाब पर, या तो मुश्किल से दो या तीन इतने प्लाज्मा पाए जाते हैं, क्योंकि इतने काफी होते हैं। जैसे हमारे पास ऐसे थोड़ी दस पैर है, मूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो पैर है, ऐसे इनके पास जो मेन मूवमेंट होता है उसे करने के लिए इनके पास सिर्फ एक दो या तीन मैक्सिमम इतने प्लाज्मा होता है। और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में भी। हाँ, ये तो बात की हमने की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये हमारे प्लाज्मा का कुछ स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे वाले जो पार्ट है उसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। ये उसका बेस बनाता है, मतलब नीचे जाके सेटल होने का काम करता है, कि सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेटल करने का काम करता है प्लाज्मा को, ये बेसल बॉडी वाला पार्ट। उसके बाद खुद क्या करता है, मतलब बाहर वाला जो पार्ट है और अंदर वाले जो पार्ट है उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इस वजह से हम कह रहे हैं दोनों के बीच से होते हुए उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा डीएनए है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम बात कर रहे थे उसी के बारे में। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, खुद रेप्लिकेट करता रहता है, किसी और चीज की जरूरत नहीं करती है, खुद ही अपनी कॉपी बनाता रहता है, खुद ही कॉपी बनाता रहता है। ठीक है, इसके भी काफी सारे बहुत सारे फंक्शन होता है, यहाँ पर मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस सिंपल था, बस हमें सिंपल सा इसके कॉमन फीचर्स देखना है।
नहीं, डबल स्टैंडर्ड होता है, दो स्टैंड वाला होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो लेयर्स होती हैं इस साल की आई की भी, ठीक है। जैसे थी ना दो लेयर्स, ऐसे इसमें भी दो लेयर्स होती है, और सर्कुलर इसका दिवाली जो बिरयानी होता है सर्कुलर गोल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, दो हाथी वाला होता है, जैसे मैंने कहा ना डबल स्टैंडर्ड दो स्टैंडर्ड वाला। एंड मुझे हिंसा बिरयानी का जिएगा, इसलिए नॉन एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल है और इसके बिना भी बैक्टीरिया बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और बचे हुए टॉपिक्स अब देखते हैं। जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में एक और बात देख लेते हैं। जैसे मैं बच्चे अपने हिस्से को वो जो एंडोजाइनिक इंडिजिनेशन होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको भी बात देख लेते हैं। ये माइक्रोबियल हिस्से है का जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब ये इसके अंदर एनर्जी बनाने का काम भी करती है बैक्टीरिया के अंदर। सेलुलर फॉर्मेशन बैक्टीरिया की जो सेलुलर होती है ना, ये जो पूरी सेलुलर है उसको बनाने में भी म्यूसिजम हेल्प करती है। कुछ ऐसे एंजाइम्स या पिगमेंट सेंड करती है या फिर रिलीज करती है जिससे हमारी पूरी सेलुलर बन जाती है। हमारा एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ना, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर, तो उसको रेप्लिकेट कॉपी बनाने में भी म्यूसिजम हमारी हेल्प करती है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू डॉटर सेल्स, मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल दो हमारे बन गए, दो जेनेटिक मटेरियल बन गए, अब इस टॉपिक को इस टॉपिक को दोनों के पास इक्वल आ जाए जेनेटिक मटेरियल, इसको इक्वल देने का काम भी हमारी म्यूसिजम ही करती है। ओके, तो ये सारे फंक्शन थे हमारे कुछ म्यूसिजम के बारे में। उसके बाद हमारा पिलर, पिलर पिलर भी एक सर्फेस स्ट्रक्चर है, हमने देखा था है। हमारे जो न्यूक्लियोट्स होते हैं ना, न्यूक्लियोट्स में एमआरएनए का जो ट्रैवलर स्ट्रक्चर होता है, एमआरएनए के ऊपर से एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम इसको पॉलीजन नहीं बोल सकते। अगर उस क्लाइड के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तब हम इसको जाके बोलते पॉलीजन। तो फिर पॉलीजन किसके अंदर पाया जाता है, सिर्फ ही पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत उसमें ज्यादा होती है, पर न्यूक्लियोट्स में इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो कुछ में हो भी सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो भी सकता है कि कैल्शियम पाया जाए, कैल्शियम कहीं पाया जाता है। तो फिर हमारे लिए एमआरएनए ही है, एमआरएनए जो तो एक हाइड्रोजन है, इस वजह से हम इसको कैल्शियम नहीं बोल रहे हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके बाद